Let's do question number 7th of exercise 5B, that is fraction. Question number 7th is, fill up the blanks with greater than, less than and or equal to. Right? तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये बताना है इन दोनों में से ग्रेटर देन और लेस देन कौन सी है. हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर को अगर कोई भी फ्रैक्शन है एक्सेप्ट सेम नंबर की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 7/7 है, क्या वो ग्रेटर है 1 से? नो, दैट इज इक्वल है. क्यों इक्वल है? तो देखिए 7 1 7 7 1 7, तो ये 1 ही आ गया, 1 इक्वल हुआ ना 1 के, तो इसलिए ये इक्वल है, नॉट ग्रेटर देन लेस. अगर मैं कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन करती हूँ लाइक 1/2, वो हमारा लेस देन होगा 1 के. लेकिन अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करती हूँ 13/5, वो होगा हमारा ग्रेटर देन 1 के. तो अब देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी. तो ये क्या हुई, 1 से हमारी छोटी हुई, तो 1 हमारा बड़ा हुआ. अब इसी तरीके से अगर आप 3/4 देखेंगे तो ये क्या है हमारा, 3 क्या है, छोटा है 4 से, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हुई. तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में 1 क्या है हमारा, बड़ा है. अब ये देखिए यहाँ पे भी 6/7 देखेंगे तो 6 क्या है, छोटा है 7 से, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुई. तो दैट मीन्स हमारा 1 बिगर है. अब देखिए 6/6 को 6 1 6 6 1 6, तो 1 ही हो गया. तो 1 क्या है, इक्वल है 1 के. राइट, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 3016, तो ये ऑब्वियसली 1 हो गया क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो हमारा इक्वल हुआ 1 के. राइट, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 11 बड़ा है 5 से, तो ये क्या हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़ी होती है 1 से. आंसर